खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव से एबीपी न्यूज ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। एबीपी न्यूज से बातचीत में जयाप्रदा पर आजम खान के बयान पर डिंपल ने ये तो कहा कि किसी को इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए। साथ में सुषमा स्वराज से पूछा कि पहले कहां थी जब उनकी पार्टी के लोग ऐसे ही बयान दे रहे थे। हमारे साथ हैं डिंपल यादव जी, जो कि चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। डिंपल जी, आपको क्या उम्मीद है? पहले चरण का तो वोटिंग हो गया, दूसरे चरण में आपका भी, तीसरे चरण में आपकी भी सीट आने वाली है। मैं समझती हूँ पहले चरण की वोटिंग तो हो ही चुकी है और रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं और लोगों में बहुत उत्साह है और सरकार, मौजूदा सरकार की तरफ बहुत खिलाफत है और मैं समझती हूँ लोग बस वोट करने का इंतजार कर रहे हैं। मैंने देखा आपने पूनम जी को ज्वाइन कराया, कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट दे दिया आचार्य प्रमोद कृष्ण, आपको लगता है कि वहाँ पर कांग्रेस कैंडिडेट ना देती, एक साझा कैंडिडेट के तौर पर पूनम जी लड़ती तो बेहतर होता? नहीं, वो कांग्रेस पार्टी की रणनीति रही होगी और हमारा तो कैंडिडेट डिसाइडेड था, तो हम चाहते हैं कि पूनम जी बहुत अच्छे मार्जिन से जीते लखनऊ। और मैंने देखा कि पिछली बार आपने और प्रियंका जी ने भी मंच शेयर किया था, बड़ी चर्चा है कि मंच शेयर नहीं हुआ था कि प्रियंका जी बनारस चुनाव लड़ सकते हैं, आपको लगता है कि वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकती हैं तो उनका अधिकार है, मैं समझती हूँ। एक बात, सुषमा जी ने आपको एक ट्वीट टैग किया था आजम खान जी के बयान पर। मैं समझती हूँ कि महिलाओं के प्रति किसी भी इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए और सुषमा जी को उस टाइम भी ट्वीट करना चाहिए था जब मायावती के खिलाफ उनके जो उनको उपाध्यक्ष बनाया उन्होंने प्रदेश का, तब ये बात कही गई थी मायावती जी के खिलाफ, तो सुषमा जी ने उस टाइम क्यों नहीं ट्वीट किया, हमारा उनसे बस यही प्रश्न है। इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होना। अच्छा आप बताइए मेरे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अखिलेश जी, इधर कोई झगड़ा नहीं, ये बताइए कि बनारस में बहुत चर्चा है कि प्रियंका जी वहाँ से चुनाव लड़ सकती है, अगर ऐसा होता है? मुझे कोई जानकारी नहीं है और लखनऊ के प्रत्याशी, बनारस के प्रत्याशी, फूलपुर, इलाहाबाद और महाराजगंज के बहुत जल्दी प्रत्याशी तय हो जाएंगे। बनारस का भी प्रत्याशी? बनारस के भी बहुत जल्दी प्रत्याशी तय हो जाएंगे। अगर कांग्रेस वहाँ कैंडिडेट ना दे ऐसा कोई की बात ही नहीं है, ये सवाल आप क्यों उठाते हैं? आपको क्या लेना देना पॉलिटिकल पार्टी किसको डिसाइड कर रही है? आज कांग्रेस के आपसे जानना चाहता हूं, आपको क्या लेना देना कि पॉलिटिकल पार्टी कौन सा डिसाइड कर रही है, किसको लड़ाएगी? मुझे अपने काम से काम रखना चाहिए। बिल्कुल, आप ये जानकारी करिए कि किसने कितना काम किया है। हम तो आप कहते हैं भारतीय जनता पार्टी अपना काम तो बताए। 74+ की इस बार टारगेट है उनका यूपी, बताओ कि पहले अपनी गिनती ठीक कर लें। आज 74 नहीं है उनके, उन्हें अपनी गिनती ठीक करनी चाहिए और गिनती ठीक से उन्हें पता होगा कि उनके कितने सांसद हैं। अभी अली और बजरंग बली की इस राजनीति में कहां फिट हो रहे हैं ये देखिए, आप लोगों को भी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। जो लोग शुरुआत करते हैं, जो भगवान की जाति बताते हैं, उन्हें दिखाना बंद कर दें आप। शायद दिखाना बंद कर देंगे तो उससे बहुत ज्यादा लोगों पर असर पड़ेगा कि हाँ, कम से कम कुछ लोग हैं जो ये देख रहे हैं कि नफरत न फैले लोगों के अंदर। अब आप ही पर ज्यादा प्रचार करोगे, आपको कम से कम ये तो कहना चाहिए दोषी कौन है। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप ही के पार्टी के इतने बड़े नेता, लोकसभा उम्मीदवार, आजम खान बयान देंगे हम नहीं दिखाएंगे अखिलेश? नहीं नहीं, वो मैंने उसके बारे में नहीं कहा। समाजवादी पार्टी हमेशा महिलाओं का सम्मान करती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कौन लोग हैं जो भगवान की जाति बता रहे थे। याद है वो चुनाव आपको जब शमशान और कब्रिस्तान पे हो रहा था, वो याद है चुनाव जब दिवाली और रमजान पे हो रहा था, वो दिन भूल गए? हम तो एक्सप्रेस वे बता रहे थे। यकीनन आप चले होंगे उस एक्सप्रेस वे पर और यकीन मैं से कह सकता हूँ आप जीटी रोड पे भी चले होंगे। उसी पांच साल में जीटी रोड की क्या हालत है, कम से कम एक्सप्रेस वे के बारे में एक मिनट तो कह देना आप कि कैसा बना है। देश को ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। अच्छा अखिलेश जी, एक चीज बताएं कि अभी आज ही एक कांग्रेस का बयान आया, आचार्य प्रमोद कृष्ण जो लखनऊ से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी ये तय करे कि वो कांग्रेस के साथ है या राजनाथ सिंह के साथ, वो चाहते हैं आप वहाँ कैंडिडेट ना दें और पूनम जी को आपने ज्वाइन कराया वहाँ लड़ने के लिए। कांग्रेस पार्टी हमें डिसाइड नहीं करा सकती, हमारे बारे में डिसाइड नहीं कर सकती। जो फैसला है वो समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी का अपना फैसला है, समाजवादी पार्टी अपना फैसला ले गई। अच्छा एक बड़ा दिलचस्प फ्रूटफुल बातें करोगे, एक फ्रूटफुल आपके आपके मतलब, क्योंकि आपने अपनी छवि का ध्यान में रखते हुए मैंने देखा आपने एक बड़ा अहम फैसला लिया कि आप अफजाल अंसारी के लिए प्रचार नहीं करेंगे, ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है सर? कहा है किसने आप करेंगे प्रचार? देखिए महागठबंधन जहां जहां है वहां प्रचार कर रहा है महागठबंधन। बड़ी महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं क्योंकि इस तरह की बात आई कि आप शायद वहां प्रचार, आप केवल आप काम पर बात नहीं करोगे। अच्छा कितनी सीटें आ रही है महागठबंधन को? काम पर बात नहीं करोगे, काम पे आप बताइए। उम्मीद करते हैं कम से कम काम की बात करो आप। आप भी झूठे निकल रहे हो, आप भी दूसरों के चक्कर में हो। अच्छा कितनी सीटें, क्यों सीटों की उम्मीद है? आप अपना अगर काम दिखा सकते हो तो काम दिखाइए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव,
डिंपल यादव उनकी पत्नी जो कन्नौज से चुनाव लड़ रही है, दोनों ने एबीपी न्यूज से बात की, प्रचार पे निकले हैं। उम्मीद है कि बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे और बार बार अखिलेश यादव का कहना है कि काम पर बात करिए और काम पर महागठबंधन अच्छी परफॉर्मेंस देगा। और उत्तर प्रदेश में अभी रैलियों में भी अपने लगातार कह रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त देंगे। कैमरामैन अजीत चाको के साथ आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज, कन्नौज। तो सुना आपने, अखिलेश यादव दोहरा रहे काम पर बात करो, पत्नी डिंपल जो कह रही हैं आजम खान का बयान सही तो नहीं, लेकिन साथ ही साथ सुषमा स्वराज से सवाल भी पूछ रही हैं कि जब आप ही की पार्टी के लोग ऐसे बयान देते थे तो आप कहां थी, तब आप क्यों चुप थी, किसी को भी ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, डिंपल यादव ने कहा है आजम खान के बयान पर। और साथ ही डिंपल ने सुषमा स्वराज पर भी सवाल उठा दिए कि जब आपकी पार्टी के लोग ऐसा करते हैं तब आप क्यों चुप रहती हैं। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।